जिसको भी आप ये नमकीन खिलाओगे कोई भी नहीं बोलेगा कि ये नमकीन आपने घर पे बना के तैयार की है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पोहा से बनने वाली खट्टी मीठी फ्लेवर वाली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नमकीन। बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, आप इस नमकीन को एक बार अपने घर में बना के रख लीजिए और पूरे त्यौहार इंजॉय कीजिए। यदि यही नमकीन आप बाजार से लेने के लिए जाओगे तो आपको 500 से 700 800 रुपये किलो तक के पैसे देने होते हैं, बट आप इस नमकीन को बहुत कम पैसों में अपने घर पे बना के तैयार कर लोगे और बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से। तो चलिए इस सुपर टेस्टी सी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे एक बाउल और सबसे पहले एक मसाला बना के तैयार करेंगे। आधा चम्मच लेंगे सादा नमक, आधा चम्मच लेंगे काला नमक और आधा चम्मच लेंगे देगी मिर्च वाला पाउडर, आधा चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर और एक चम्मच ले लिया है मैंने यहाँ पर चाट मसाला, आधा चम्मच साबुत धनिया, एक चौथाई चम्मच सौंफ और आधा चम्मच काली मिर्च ले लेंगे, आधा चम्मच जीरा लेंगे और एक चम्मच हम यहाँ पर लेंगे कसूरी मेथी, एक चम्मच सैटिक एसिड लेंगे। हम यहाँ पर आमचूर पाउडर का यूज़ नहीं कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर ये सैटिक एसिड ले लिया है। अब इन सभी मसालों को हम एक मिक्सी के जार में डालकर इसका एक दरदरा सा पाउडर बना के तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें पाउडर को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बनाना है, हल्का सा इसको दरदरा ही रखना है। देखिए मैं इसका टेक्स्चर आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये पाउडर थोड़ा सा हमें दरदरा ही बनाना है, बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना है हमें। तो चलिए मसाला हमारा तैयार हो चुका है और यहाँ पर मैंने ये 2.5 कप के जितना पोहा ले लिया है, वेट से नापा जाए तो ये कम से कम 70-80 ग्राम के जितना पोहा है, तो हमने यहाँ पर मोटे वाला पोहा लिया है। एक पैन में हमने तेल को बहुत अच्छे से गरम कर लिया है, तेल हमारा बिल्कुल हाई गरम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक छलनी ले लेंगे और इसमें पोहा डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पोहा हमें ठंडे तेल में फ्राई नहीं करना है, नहीं तो पोहा हमारा फूलेगा नहीं। जितना आप हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करोगे बहुत जल्दी से फूल जाएगा, कुछ ही सेकंड में तैयार हो जाएगा। और बस ये तेल को झटक के हम इस तरीके से पोहा निकाल लेंगे, तो सारा पोहा हम इसी तरीके से फ्राई करके तैयार करेंगे। अब मैंने यहाँ पर ये 10-15 दाने ले लिए हैं मखाने के, तो मखाना ऑप्शन है आपके पास, वो डालें नहीं तो छोड़ दें। और बस कुछ ही सेकंड के लिए इसको भी हम मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से रोस्ट कर लेंगे, तो जब ये क्रिस्पी हो जाएंगे इनको हम निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ पर ड्राई नट भून रहे हैं तो इसलिए हमें यहाँ पर तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन कर लेना है। मैंने 5-6 बादाम ले लिए हैं जिनको मैंने थोड़ा सा काट लिया है। मैं यहाँ पर साबुत कोई भी ड्राई नट नहीं डाल रही हूँ, ऐसे डाल रही हूँ। जब ये थोड़े थोड़े से बाइट के नीचे आते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बादाम मैंने हल्के से भून लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सूखा गोला ले लिया है, इसको मैंने बहुत पतला पतला काटा है और इनको भी हम भून लेते हैं। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। हल्का सा जब इसमें कलर आ जाए निकाल लेना है। और अब मैंने यहाँ पर थोड़े से काजू ले लिए है, काजू को भी मैंने थोड़ा सा काट लिया है मोटा मोटा। साबुत चीज़ में कुछ भी नहीं डाल रही हूँ यहाँ पर, बस इसको भी हल्का सा जब गुलाबी हो जाए हम इसको निकाल लेते हैं। और अब हमने ले ली है जो एक नमकीन की जान होती है, जो होती है मूंगफली। मूंगफली चाहे शाही नमकीन बना रहे हो या सिंपल नमकीन बना रहे हो, मूंगफली हर नमकीन में डाली जाती है। हल्का सा उसको गुलाबी होने तक भूनेंगे और निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैंने ये थोड़ी सी किशमिश ले ली है, तो मैंने यहाँ पर ड्राई नट थोड़े थोड़े ही लिए हैं क्योंकि मेरे पास थोड़े ही थे, बहुत ज़्यादा आपको डालने हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और जब ये इस तरीके से अंगूर की तरफ फूलने लगे इनको भी हम निकाल लेते हैं। अब मैंने नमकीन का फ्लेवर बढ़ाने के लिए यहाँ पर लिया है पुदीना का पत्ता और करी पत्ता, तो ये मैंने घर पर ही लगाए हुए हैं पौधे, तो मैंने उनमें से तोड़े हैं। तो जैसे मैं इनको तोड़ के ऊपर से लेके आई थी गमले से, तो मैंने इनको धोए थे तो इनमें थोड़ा सा मॉइस्चर रह गया था, तो जैसे मैंने इनको तेल के अंदर डाला है तो इसमें छींटे से उड़े हैं एकदम से। तो थोड़ा सा सेफ्टी से आप पहले ही धो के रख ले और इनका मॉइस्चर भी सुखा ले। तो इनको हम 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेते हैं या जब तक अच्छे से ये क्रिस्पी ना हो जाए, तो 1 मिनट आपका लग सकता है। बहुत ही अच्छे से हमें ये क्रिस्पी कर लेना है, इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। तो चलिए हम एक पत्ता उठा के चेक कर लेते हैं, तो बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो रहे हैं। तेल को झटक के यहाँ पर इनको भी निकाल लेते हैं। अब मुझसे यहाँ पर एक गलती हुई है, मैंने यहाँ पर एक चम्मच ली थी खसखस और इसको मैंने सोचा था कि मैं छलनी में डाल के फ्राई कर लूँगी, और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर सौंफ ली थी। तो जैसे मैंने यहाँ पर खसखस डाली और तेल के अंदर जैसे ही मैंने यहाँ पर ये छलनी डाली तो सारी खसखस तेल के अंदर चली गई। तो हल्की सी मैंने सौंफ को भून लिया है और ये खसखस के दाने थोड़ा मुझे भारी पड़ गए निकालने, क्योंकि ये निकाल ही नहीं रहे थे, बहुत बुरी तरह से फैल चुके थे, मुझे आधी ही हाथों लगी थी, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने सारी नमकीन और ड्राई नट वगैरह जितने भी तैयार की है एक मिक्सी बाउल में डाल ली है, और जो मसाला हमने बना के तैयार किया था उसको हम यहाँ पर डाल देंगे। तो अभी हमारे यहाँ पर सारी नमकीन अच्छे से गर्म है, तो जो हमने यहाँ पर मसाला डाला है वो अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं आधा चम्मच के जितना हल्दी, और क्योंकि मुझे यहाँ पर हल्दी थोड़ी सी कम लग रही थी, तो आप स्टार्टिंग में 1 चम्मच हल्दी डाल सकते हैं।
और इसको हम अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें एक खास सीक्रेट डालेंगे जो हमारी नमकीन के सबसे ज़्यादा टेस्ट को बढ़ाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये 3 चम्मच की जितनी पिसी हुई चीनी ले ली है। तो मैंने यहाँ पर सैटिक एसिड का यूज़ किया है, वो खट्टा होता है। चाट मसाले का यूज़ किया है, उसमें भी खट्टापन होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये चीनी का यूज़ किया है। इससे इस नमकीन का फ्लेवर खट्टा मीठा आएगा। मैं तो आपको यही बोलूँगी कि इसका जो फ्लेवर आएगा बाज़ार की नमकीन से बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और ये मैंने यहाँ पर सूजी का चिवड़ा बनाया था, इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे डाल दी है। तो थोड़ी सी मेरे पास बची हुई थी तो मैंने थोड़ी सी यहाँ पे डाल दी आपकी नमकीन को बढ़ाने के लिए। तो इसको भी हम अच्छे से मिला देते हैं। तो देखिए बहुत ही हाइजेनिक तरीके से ये नमकीन हमने घर पे बना के तैयार कर ली है। तो टोटल ये नमकीन कम से कम हमारी 400 ग्राम के जितनी बन के तैयार हो गई होगी टोटल में, और बहुत ही बढ़िया नमकीन हमने बनाई है। तो मैंने जैसे यहाँ पे नमकीन को टेस्ट करके देखा, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मीठा कम लग रहा था, खट्टापन ज़्यादा आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के जितना पाउडर शुगर यानी पीसी हुई चीनी और डाल दी है। तो देखिए कोई भी देख के नहीं बोल सकता है कि ये नमकीन बाज़ार से आई हुई है। इनफैक्ट कोई खाने के बाद भी नहीं बोलेगा कि ये नमकीन आपने घर पर बना के तैयार की है। तो ये नमकीन यदि आपने घर पे बना ली तो आपकी ये बाज़ार की बहुत महंगी नमकीन पर भी भारी पड़ने वाली है, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और जब मैं इस नमकीन को बना रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था, मैं ये सोच रही थी कि कम से कम ये 1 महीना मेरे घर में चल जाएगी, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो बट 1 महीना नहीं चली, ये शाम तक ही ख़त्म हो चुकी थी। आई होप दोस्तों आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक कमेंट और शेयर करना, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।